हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पबजी के बारे में कि 6 घंटे लगातार पबजी गेम खेलने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले मैंने 2 और वीडियोस बनाई थी। अगर आप इन दोनों वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, अब हम उसी टॉपिक पे आते हैं। मध्य प्रदेश में नीमच का रहने वाला 16 साल के एक लड़के ने लगातार 6 घंटे पबजी गेम खेलने की वजह से उसे कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। इस लड़के का नाम फुरकान कुरैशी है, ये 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था। फुरकान के घर वाले बताते हैं कि फुरकान पढ़ने में काफी तेज था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे पबजी की लत लग गई थी और लत इतनी बुरी तरीके से लगी थी कि वो रात को 2 बजे तक गेम खेला करता था, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा। हम लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी वो बड़े जुनून के साथ इस गेम को खेला करता था। 27 मई 2019 को वो लगातार 6 घंटे पबजी गेम खेला, जिसकी वजह से उसे कार्डियक अरेस्ट आया और वो अचानक से नीचे गिर गया। फुरकान की छोटी बहन फिजा के अनुसार फुरकान अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगा, ब्लास्ट कर, यार अयान तूने मुझे मरवा दिया, अब मैं तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगा, और वो बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद फिजा जोर जोर से चिल्लाने लगी, फिर फुरकान को अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक जैन एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि हार्ट को रिवाइव करने के लिए यानी चालू करने के लिए 4-5 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिए और कुछ इंजेक्शंस भी और कार्डियक मसाज भी किए ताकि हार्ट फिर से चालू हो सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर का कहना है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही लगभग डेथ हो चुकी थी। दोस्तों, आपने एक चीज गौर किया, फुरकान हेल्दी था और वो स्विमिंग भी करता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लोग स्विमिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो लोग फिट रहते हैं, उनका दिल फिट रहता है। लेकिन पबजी में ऐसा क्या है जो इतने फिट रहने के बावजूद भी दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई। दोस्तों, जितने जुनून के साथ बच्चे लोग गेम खेलते हैं, उतने ही जुनून के साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो वो स्कूल में टॉप करेंगे। हालांकि यहाँ बात हो रही है फुरकान की, तो फुरकान पढ़ने में काफी तेज था। अब देखिए, एक तेज बच्चा एक गेम की वजह से पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गया और गेम खेलने की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये हादसा हुए, कुछ वक्त गुजर गए। मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वक्त तो गुजर गए, लेकिन ये हादसा फिर से किसी और के साथ हो सकता है, क्योंकि पबजी अभी भी बैन नहीं हुआ है और बच्चे लोग दिन रात अभी भी इस गेम को खेल रहे हैं। आपको बता दें कि फुरकान घर का इकलौता वारिस था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि ये हादसा किसी और के साथ हो? अगर नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पूरे सोशल मीडिया में फैला दें, और खास तौर पर आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उन्हें यह शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, हमेशा यूनिक वीडियो चाहते हैं, तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।